लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेंजा दैट इज ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट। इस स्टेंजा में इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब दैट द फाउंटेन रिमेन हैप्पी इन ऑल वेदर्स। इन ऑल वेदर्स फाउंटेन रिमेन ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज अपीयर्स टू द बेस्ट। इट कंटिन्यूसली मूव अप एंड डाउन, इट मूव्स अप एंड डाउन विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। मोशन दी रेस्ट, मोशन ही फाउंटेन का विश्राम है, गति में ही फाउंटेन अपने आप को विश्राम कर लेता है, उसे देर इज नो नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। नेक्स्ट स्टेंजा को देखेंगे। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम। फुल ऑफ नेचर प्रकृति से भरपूर, नथिंग कैन टेम, कोई इसे अपना गुलाम नहीं बना सकता। टेम मीन्स होता है पालतू, या किसी के द्वारा वश में नहीं हो सकता, कोई इसको अपना पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर एक क्षण बदलता रहता है, चेंज हर क्षण यह बदलता रहता है। बट इट इज द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन दैट इवर द सेम, हर क्षण यह बदलते हुए भी एक समान बना रहता है। अब इसको इंग्लिश एक्सप्रेशन देखेंगे इसका। द पोएट वांट टू से दैट फाउंटेन इज ऑलवेज इन द मोशन नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हमेशा गति में रहना उसकी आदत है। इट्स मूवमेंट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई एनी वन, इसकी जो गति है जो किसी द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती। ड्यू टू इट्स मोशन इट चेंज एवरी मोमेंट बट स्टिल इट रिमेन द सेम ऑल द टाइम। अपने मोशन के कारण हमेशा हर क्षण यह बदलता रहता है, लेकिन फिर भी यह अपने मूल स्वरूप में सदैव एक समान रहता है, जैसे कि ऑलवेज इन मोशन, गति करना इसकी क्वालिटी है। ऑलवेज बी हैप्पी एंड चीयरफुल, हमेशा प्रसन्न रहने की क्वालिटी है। नेवर फील टायर्डनेस, कभी भी थकान महसूस न करना इसकी क्वालिटी है। तो इस सभी क्वालिटीज को फाउंटेन सदैव मेंटेन रखता है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा दैट इज सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस जिसका अर्थ होता है कंटिन्यूअस, सीजलेस कंटेंट, इस स्टेंजा में पोएट यह बताने का प्रयास करता है कि फव्वारा फाउंटेन जो सदैव ऊपर की ओर जाने की आकांक्षा करता है, सीजलेस एस्पायरिंग, सदैव ऊपर लगातार ऊपर जाने की उसकी इच्छा रहती है और जाने की आकांक्षा करता है, किंतु वह अपनी प्रगति से संतुष्ट है। द फाउंटेन इज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस, विथ इट्स प्रोग्रेस, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, इसका स्वभाव इसका नेचर ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात इसके कार्य करने के ढंग में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। पोएट यह बताने का प्रयास करता है चाहे डार्कनेस हो या सनशाइन हो, रात हो या फिर सुबह का समय हो, इसके काम करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लुक एट द लास्ट स्टेंजा, दैट इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ योर पोयम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पोएट, बिकॉज पोएट विश अबाउट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग इन द लास्ट स्टेंजा दैट इज ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई
हर्ड बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक डी। फाउंटेन को एड्रेस करते हुए एड्रेसिंग द फाउंटेन द पोएट विश, पोएट यह विश कहता है कि अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए यह कहता है कि हे शानदार फव्वारे, हे ग्लोरियस फाउंटेन, मैं भी अपने हृदय को तुम्हारी भात तरोताजा फ्रेश चेंजफुल परिवर्तनशील कांस्टेंट दृढ़ नीचे से ऊपर की ओर सदैव प्रगतिशील बनाए रखना चाहता हूँ। या आप यह कह सकते हैं कि जो भी क्वालिटीज फाउंटेन के अंदर लेखक ने देखा, पोएट ने देखा, वो सारी क्वालिटी पोएट अपने अंदर भी चाहता है। इस लास्ट स्टेंजा के माध्यम से पोएट अपनी विश को प्रकट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर पोएट्री पोर्शन नेम्ड द फाउंटेन। होप ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली एंड टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस पोयम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोयम। एंड इन द एग्जामिनेशन 7 marks द क्वेश्चन आंसर एंड सेंट आइडिया ऑफ दिस पोर्शन गिवन इन द एग्जामिनेशन ऑफ 7 marks। सो इट इज वेरी इजी फॉर यू इफ यू रीड दिस पोयम, इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी स्टेंजा इन योर ओन वर्ड्स, देन डेफिनेटली यू विल सक्सेस एंड स्कोर गुड मार्क्स इन पोएट्री पोर्शन। सो होप ऑल ऑफ यू कीप वॉचिंग द वीडियो एंड लर्निंग। टिल देम गुड बाय।